हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 24 क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगी, लास्ट का एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्हीं के नाम पर और इन्हीं की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया गांव में बनी है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, और अगर बात की जाए कितनी फीट की है तो यह है 597 फीट। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के विस्मारक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, और फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी चीज़ें याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और बात की जाए सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था, तो ये इन्होंने दिया था श्रावस्ती में। ठीक है, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये प्राप्त हुई थी बोध गया में। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो ये थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के 24वें आखिरी तीर्थकर कौन थे, तो ये थे महावीर स्वामी। और यहाँ पूछा जा रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो ये थे पार्श्वनाथ। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कौटिल्य। तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। ठीक है, और ये है कहाँ पर? यह है एमपी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश को भारत का सेंट्रल स्टेट भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, देश में मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण कौन करता है या इसकी नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। बहुत ही आसान प्रश्न ही है, बेसिक क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जाता है। बात आती है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की, तो कुछ फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड याद हो जाने चाहिए। जैसे कि RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, आज से 84 साल पहले RBI की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, शक्तिकांत दास अभी यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन ए फिलहाल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विश्वविद्यालय की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हो गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक चीज़ मैंने हमेशा से आपसे डिस्कस की है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? चार ऑप्शन है, अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, और ये है कहाँ? ये भी ये है क्या? MP का एक जिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। बात आती है MP की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था किसने? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है।
अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था किसको? महेंद्र को और संघमित्रा को। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? चार ऑप्शन है, जैन, शैव, बौद्ध और वैष्णव। तो ये हो गए थे किसके अनुयायी? बौद्ध धर्म के। सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, ठीक है, तो ये क्या था? लोथल। बात की जाए लोथल कहाँ है, तो ये है गुजरात में, ठीक है। बात की जाए गुजरात की, तो इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो ये बताया था श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? सबसे पहले कुछ फैक्ट आपको याद होने चाहिए। जम्मू कश्मीर 370 भारत के आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। और जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है राज्य विधान मंडल। बात की जाए जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1957 में। और भारत का संविधान की बात की जाए तो ये 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है 370 आर्टिकल हमेशा न्यूज़ में रहता है। ये किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर, ठीक है। जम्मू और श्रीनगर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की दो राजधानी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आसान प्रश्न है बट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये है विशाख दत्त। दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झेलन नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोरस और सिकंदर। इसका टाइम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको देने की शुरुआत सर्वप्रथम 1965 में हुई थी, और सबसे पहले इसको दिया गया था जी शंकर कुरूप को, और अभी 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अमिताभ घोष को, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? देयर इज़ फोर ऑप्शन गिवन, यमुना, पेरियार, झेलम या कृष्णा, एंड द करेक्ट आंसर इज़ पेरियार। और ये है कहाँ पर? यह है केरल में, ठीक है, बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। बात आती है केरल की, तो केरल की राजधानी आप लोग याद कर लीजिए, ये है थिरुवनंतपुरम। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति मेमोरी कहा जाता है? और ये कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है रैम को। रैम की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। बट कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसे कहा जाता है? रैम को। दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है चार्ल्स वेबर्स को। ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति, और इसके बारे में आर्टिकल 75 के पार्ट 3 में बताया भी गया है भारत के संविधान में। दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। बात की जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये है गंगा, और गंगा की लंबाई भी आपको याद होनी चाहिए, ये है 2525 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है,
चितरंजन दास, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह और लाला लाजपत राय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चितरंजन दास, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बात की जाए स्वराज पार्टी की, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और ये गाया गया था कोलकाता में, 1911 में ये गाया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।